सवाल मेरा ये है, आणी मग एक दिवस, इट्स अ ऑटोबायोग्राफी जी, तो बहुत सारे कलाकारों ने इतने सारे दशक में बहुत बहुत अच्छी अच्छी ऑटोबायोग्राफीज लिखी है, तो आपके दिमाग में क्या था, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी बायोग्राफी बताना चाहते थे और कैसा आपने बताई? मैंने एक्चुअली ये लिखना इसलिए शुरू किया कि उस वक्त मेरे पास कुछ और काम था नहीं। मैं एक बहुत ही बोरिंग फिल्म शूट कर रहा था प्राग में, जिसमें 8-8, 10-10 घंटे ट्रेलर में बैठे रहना पड़ता था, क्योंकि उस फिल्म में स्पेशल इफ़ेक्ट्स बहुत थे, तो मैं काफ़ी बोर हो गया था। तो एक कंप्यूटर मैंने ख़रीदा और उसको चलाना सीखा, और फिर मैं सोच रहा था अब क्या करूँ इसके साथ, तो मैंने लिखना शुरू किया सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। सच्ची बात है, कुछ बातें जो बड़ी मज़ेदार थी बचपन की, उनको याद करने की कोशिश करता रहा, उनको लिखता रहा जितनी भी अच्छी तरीके से मैं लिख सका। और इस किताब को लिखने में 12 साल लगे मुझे, क्योंकि मैं लेखक हूँ नहीं, लेखक का डिसिप्लिन मुझ में नहीं है, तो मैं कुछ लिखता था, थक जाता था या बोर हो जाता था, जिस तरह से एक लेखक को करना चाहिए कि हर रोज़ बैठ के इतने घंटे ज़रूर लिखना चाहिए, चाहे कुछ भी लिखो, वो मादा मुझ में नहीं था, इसीलिए इतना टाइम लगा। जब भी कुछ और बात याद आती थी तो मैं उसको लिख लेता था। मैंने कभी, सच कह रहा हूँ, सोचा नहीं था कि ये किताब बनेगी और पढ़ी भी जाएगी, मैंने अपने मनोरंजन के लिए ही लिखी। सर, लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार पर बायोपिक बनना चाहिए आपके अनुसार? नहीं बनना चाहिए। एक मिल्खा सिंह पे बना तो दिया। गुरुदत्त पर भी सुना है बना रहे हैं, ना बनाए तो अच्छा है। अरे नहीं भाई, जो नाच गाने की फिल्में वही बनाते रहे तो बहुत है। कोई सीरियस सब्जेक्ट ना ही हाथ लगाएं कमर्शियल फिल्म वाले तो अच्छा है, सत्यानाशी करके रखते हैं उसका।